अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि अगर एक बहन है, उनका 3 महीने का रोजा है, तो वो रोजा मतलब पूरा करेंगे या हो जाएगा? जी शिवम, देखिए, अगर उनके पास इस्ताद है और उसके बावजूद उन्होंने रोजा नहीं रखा है और अभी भी इस्तेदाद मौजूद है, तो 3 महीने के रोजे हों या शायद हों, उनको रखना जरूरी है। कुरान करीम के अंदर बाद एक कफारात में मुसलसल 2 महीने का रोजा रखने का हुक्म दिया गया है, मुसलसल 2 महीने का। और यहाँ तो 3 महीने के जो रोजे हैं उसमें इख्तियार है कि आप किसी भी वक्त और किसी भी दिन और गैप देकर जब भी चाहें आप रख सकते हैं। तो ये भी उन्होंने जो छोड़ा है वो भी गफलत की वजह से छोड़ा है, इसलिए उनके ऊपर रोजों की जी कजा है। रोजे छोड़ते हैं तो रोजों की कजा करनी होती उनको कुछ मसला था, बीमार उमार थे या डिलीवरी की वजह से छे हैं? है। पुराने करीम के अंदर ये हुक्म है, फमन कान मिनकुम मरीज़न हुवा अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन अखर, कि तुम्हें जिससे जो मरीज हो या मुसाफिर हो और उसने रोजे छोड़ दिए हैं तो दूसरे दिनों में उन रोजों की गिनती को पूरा करेगा। तो गिनती कितनी भी हो, 3 महीने की हो, तभी उसको कदा करे, धीरे धीरे कदा करे उनकी। अब मौजूदा जो कैफियत है उस कैफियत को देख के हुक्म लगाया जाता है। अगर उनके पास से इस्तात है वो रोजे रख सकते हैं तो फिर वो रोजों की कदा करेंगे।